हेलो दोस्तों बीपीएससी हेडमास्टर रिजल्ट 2024 हज़ार आज जारी हो चुका है दोस्तों हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप बीपीएससी हेडमास्टर रिजल्ट चेक कर सकते हैं मात्र एक क्लिक से किस वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट चेक हो रहा है तो दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाले समय में इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे देखिए दोस्तों सभी के मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होता है स्क्रीन पर क्रोम ब्राउजर दिखाई दे रहा है सभी के मोबाइल में होता है इसको हम क्लिक करके यहाँ से खोल लेंगे गूगल खुल चुका है गूगल से भी खोलना आता ही होगा अब गूगल के अंदर वह वे वेबसाइट टाइप करेंगे जहाँ से मात्र एक क्लिक में रिजल्ट चेक होगा तो गूगल में हमें लिखना है वी एम सी सी एम गूगल के अंदर सब सिर्फ इतना सा ही लिखना है वी एम सी सी एम लिख इसको सर्च कर देना है मैंने सर्च कर दिया आप भी सर्च कर देना सर्च करते सबसे ऊपर वेबसाइट खुलेगी दोस्तों वी एम सी के एम तो दोस्तों इस वेबसाइट को मैं यहाँ से क्लिक करके खो लेता हूँ आप भी क्लिक करके ओपन कर लेना ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से वेबसाइट का होम पेज खुल गया है अब रिजल्ट कहाँ से निकलेगा ध्यान से देखें तो दोस्तों इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए पहली ही पोस्ट है न्यू रिजल्ट की न्यू रिजल्ट का सेक्शन दिखाई दे रहा है और इसमें पहली पोस्ट है बी हेडमास्टर रिजल्ट दो आने वाले समय में भी अगर ये आपको ये पोस्ट पहले नंबर पर नहीं दिखाया तो ये दूसरे या तीसरे नंबर पर दिखाई देगी जहाँ पर एस एस सी जी एल एम पी एस सी प्रणाम यहाँ पर पढ़कर कर खो लेना बी पी एस सी हेड रिजल्ट दो हजार चौबीस तो अभी पहले नंबर पर इसको मैं यहीं से क्लिक करके खोल लेता हूँ आप भी क्लिक करके ओपन कर लेना ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से पोस्ट खुल जाएगी दोस्तों अब रिजल्ट कहाँ से देखने लगा ध्यान से देखे तो इस पोस्ट को हम थोड़ा नीचे चलेंगे दोस्तों थोड़ा नीचे चलेंगे और ये देखें दोस्तों बी पी एस सी हेडमास्टर रिजल्ट दो हज़ार चौबीस एक क्लिक में यहाँ से देखें तो ये डायरेक्ट लिंक एक्टिवेटेड हो चुका है बीपीएससी हेडमाटर रिजल्ट दो हज़ार चौबीस एक नाव यहाँ से सभी बच्चे अपना मात्र एक क्लिक में रिजल्ट चेक कर सकते हैं अगर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर हेडमास्टर परीक्षा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रखे महत्वपूर्ण तिथिया संभावित तिथिया परिणाम कैसे चेक करना उसकी पूरी वो डिटेल्स उसके नीचे आएंगे तो कट ऑफ उसके नीचे आएंगे तो मेरिट लिस्ट उसके बाद परिणाम की प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और देरी होने पर क्या करें ये सारे संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई तो आप अच्छे से पढ़ के यहाँ पर संपूर्ण जानकारी चेक कर सकते हैं बाकी डायरेक्ट लिंक दे हमने दे दिया है इस लिंक की सहायता से आप अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर दे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो दोस्तों इस वीडियो इतना ही जय हिंद जय भारत